हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करिकुलम एंड स्कूल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखें, ये जो सिलेबस है इसमें बेसिकली करिकुलम क्या है, करिकुलम कैसे बनाया जाता है, क्या डिज़ाइन रखा जाता है करिकुलम का, प्रोसेस क्या है करिकुलम डेवलपमेंट की, नीड क्या है करिकुलम की, रोल ऑफ टीचर, एवेल्यूएशन, टेस्टिंग और एनरिचमेंट, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर मैं संक्षिप्त में शॉर्ट में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले आते हैं अपन नेचर ऑफ करिकुलम। देखिए, करिकुलम बेसिकली एक टूल है टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन के हैंड में, जिससे कि हम एजुकेशन प्रोसेस को स्मूथली रन कर सकते हैं। करिकुलम जो है ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में हम देखें अगर, तो एक स्टूडेंट का होल होलिस्टिक डेवलपमेंट में जो जो प्रोसेस हैं उन सब का लेखा जोखा है, है ना। रिटर्न स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल द रूल्स, रेगुलेशन, एम एंड द इंटेंट टू विच एक्सटेंट टू विच द एजुकेशन हैज टू बी इम्पॉर्टेंट, ये सब का जो है एक हम कह सकते हैं रिटर्न डॉक्यूमेंट है। नेचर ऑफ करिकुलम में हम सब वो सारी बातें करते हैं कि करिकुलम में क्या क्या इंक्लूड होना है, कितनी थ्योरी पढ़ाई जानी है, क्या प्रैक्टिकल्स कराए जाने हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स जो है, एजुकेशनल टूर्स, ये सब जो है करिकुलम का पार्ट है। हम कह सकते हैं कि पूरा एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन, अगर हम बात करें तो पूरा एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो सब करिकुलम के अंतर्गत आता है। क्या फायदे हैं इसके, तो हमें अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का वो ऑब्जेक्टिव मीट करने में ये सहायक होता है। स्कोप ऑफ करिकुलम नेक्स्ट टॉपिक है। स्कोप ऑफ करिकुलम, स्कोप मतलब कि कितनी ब्रेथ है उसकी और क्या लिंक है अलग अलग, जो अलग अलग हम बोलते हैं एस्पेक्ट्स हैं उसके करिकुलम बनाने के, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव होता है और इन डिटेल सब कुछ इंक्लूडेड रहता है इसमें। सब कुछ मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हु, हाउ, हम सब क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, हाउ द ऑब्जेक्टिव इज टू बी अचीव्ड, हु इज गोइंग टू परफॉर्म व्हिच जॉब, व्हेन विल द स्पेसिफिक टास्क बी completed and which strategy should be used in completing the task, मतलब क्या, कब, कैसे, क्यों, किधर, सब जो है किस में आता है, इसी के स्कोप में आता है। करिकुलम कई प्रकार के होते हैं। देखिए, शिक्षा हम किसी एक तरीके से नहीं लेते, है ना, और एक ही जगह से नहीं लेते, तो इसी तरह से फिर टाइप्स ऑफ करिकुलम जो है हर जगह का फिक्स्ड है। इसको कैटेगराइज कैसे किया, सबसे पहले तो हमने रखा एक ओवरऑल, या हम बोले एक्सप्लिसिट, या हम बोले कि रिटन करिकुलम। रिटन करिकुलम बेसिकली स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जाता है। इस करिकुलम में हर ग्रेड एज के हिसाब से जो है सिलेबस डिसाइड किया जाता है और फिर वो सिलेबस जो है अपन किस किस तरीके से कंप्लीट करते हैं वो सब हमारा जो काय में आता है ओवरऑल करिकुलम में। नेक्स्ट होता है सोसाइटल करिकुलम। सोसाइटल करिकुलम बहुत कुछ बच्चा जो है अपनी सोसाइटी से सीखता है। सोसाइटल करिकुलम में बेसिकली फैमिली, नेबर्स, पीयर ग्रुप्स, फ्रेंड्स, ये सब जो है उसका सोसाइटी बनाते हैं और इनसे भी वो सीखता है। सोसाइटल के बाद होता है एक हिडन करिकुलम। देखिए, बहुत ब्रॉडली अगर अपन करिकुलम को डिसाइड करें तो करिकुलम जो है ऐसा होता है कि आप ने लिख दिया और बता दिया, एक्सप्लिसिट, रिटन, एक हिडन और एक नल। चलिए आगे इसी को कंटिन्यू करता हूं मैं। हिडन करिकुलम मतलब आप ये समझ सकते हो कि हमें जो सिखाना है
अपने लर्नर को, वो हमने डिसाइड तो कर लिया है लेकिन हमने उसे बताया नहीं है, इट इज नॉट बीन टोल्ड टू हिम के कब कब क्या क्या डेडलाइंस हैं और कितना कितना सिलेबस हो जाएगा। यूजुअली क्या है, एजुकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, तो डायनेमिक प्रोसेस होने की वजह से इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर हमने एकदम पर्टिकुलर फिक्स कर दिया कि इस लेक्चर में इतना हो ही जाना है और क्लासरूम में एनवायरनमेंट वैसा नहीं रहा उस दिन, स्ट्रेंथ कम थी या एनी अदर रीजन, कोई सेमिनार हो गया स्कूल के अंदर, तो कितनी वजह से अगर हमारा सिलेबस पीछे होता है तो एक बड़ा डिसकंफर्ट सी फीलिंग आती है, तो वो फीलिंग ना आए इसलिए कई बार करिकुलम को हिडन भी रखा जाता है। हिडन करिकुलम के बाद फिर आता है नल करिकुलम। नल करिकुलम मतलब खाली करिकुलम, खाली इन द सेंस हमें क्या नहीं सीखना है, क्या नहीं सीखना है वो सब उसके अंदर आता है। फिर नल के बाद और होते हैं, फैंटम होता है, रियोटोरिकल होता है, कौन करिकुलम, बड़े सारे करिकुलम हैं। करिकुलम के टाइप्स ऑफ करिकुलम के बाद हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम। करिकुलम कंस्ट्रक्शन या करिकुलम डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जाने करिकुलम कंस्ट्रक्शन जो है ये एक कंटिन्यूस और नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कहाँ से चालू हुआ, कहाँ से ख़त्म होगा, ये जो है इसकी बाउंड्रीज हम बहुत अच्छे से फिक्स नहीं कर सकते। इसको एसेस जरूर कर सकते हैं, मतलब कि कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ये एसेस कैसे कर सकते हैं कि लर्नर के बिहेवियर में क्या चेंज आया। मैं आपको करिकुलम डेवलपमेंट की डेफिनेशन सुनाता हूँ, आप ध्यान दें जरा। करिकुलम डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग एग्जीक्यूटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द लर्नर्स एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ नीड एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड सोसाइटी और कम्युनिटी। क्या कहना चाहा कि प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, फिर एग्जीक्यूटिंग एंड इवेल्यूएटिंग, मतलब क्या पढ़ना है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा वो प्लान और कैसे इवेल्यूएट किया जाएगा, ये सब जो है करिकुलम डेवलपमेंट में आते हैं। इसका मेन अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो चार एलिमेंट्स आप मान सकते हैं। चार एलिमेंट्स क्या मान सकते हैं आप, एक टीचिंग ऑब्जेक्टिव, मेथड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन सिस्टम एंड फीडबैक। मैं लिख देता हूं यहां पे टीचिंग ऑब्जेक्टिव, मेथड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन सिस्टम और फीडबैक। ये मेन एलिमेंट्स हैं कि आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या एम है आपका इस चीज को पढ़ाने में, फिर कैसे पढ़ाएंगे आप, मतलब क्या मेथड अडॉप्ट करेंगे, एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा रहेगा आपका, आप रिटन एग्जाम लेंगे, ओरल एग्जाम लेंगे, एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम लेंगे और एनी अदर वे। देन लास्ट में फीडबैक। फीडबैक में हम देखेंगे कि बच्चे ने क्या सीखा। ठीक, ये सारे जो हैं हम क्या मानते हैं, डेवलपमेंट के एलिमेंट्स, डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम के एलिमेंट्स। फिर आता है प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, आप जो है प्रिंसिपल ऑफ ऐसे लिखते जाइएगा, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का प्रिंसिपल क्या कहता है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का प्रिंसिपल कहता है कि वो स्टूडेंट ही है जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, तो उसकी एबिलिटीज, उसका इंटरेस्ट, उसके लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है, सॉरी, ये सब हम जो है
देखते हुए चलें, ये हमारा एक मेन प्रिंसिपल होना चाहिए, इस बेसिस पे हमें करना है। देन रिलेशन विथ सोसाइटी, दूसरा प्रिंसिपल होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन विथ सोसाइटी, फिर होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल ग्रोथ, कल्चरल और कम्युनिटी ग्रोथ होनी चाहिए आपका जो करिकुलम है उस फॉलो करने के बाद। देन हम बोले आगे क्या होना चाहिए, टोटैलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाए, उसका जो है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, होलसम बिहेवियर उसका चेंज होना चाहिए, पूरे बिहेवियर पे इस करिकुलम का असर पड़ना चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए उसकी, फ्यूचर मैं यहाँ लिखते जाता हूँ नहीं तो आप बोलेंगे कि क्या क्या बोल दिया, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर इंप्रूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मेजरेबिलिटी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, इसके अंदर थोड़ा बहुत लचीलापन होना चाहिए, बदलाव कर सके, बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मेजरेबिलिटी का मतलब है यहाँ पर कि हम मेजर कर पाए कि ये करिकुलम जो है ये ठीक से चल रहा है या नहीं, और इससे जो हमने ऑब्जेक्टिव था हमारा करिकुलम डिजाइन करने का या करिकुलम डिसाइड करने का, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है कि नहीं। फिर थोड़े बहुत और प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन ऑफ ऑल एक्टिविटीज एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आता है डिजाइन ऑफ करिकुलम, नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ करिकुलम। डिजाइन ऑफ करिकुलम में क्या चीजें, अपन पहले डेफिनेशन बताते हैं आपको। इट इज अ टर्म टू डिस्क्राइब पर्पसफुल डेलिबरेट एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम विद इन अ क्लास और कोर्स। क्या बोला है, डिजाइन से हम समझते हैं कि एक पर्पसफुल डेलिबरेट और सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करना है हमें करिकुलम का, पर्पसफुल मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ये करने के पीछे, डेलिबरेट मतलब जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं वो जानबूझ के कर रहे हैं, कुछ धोखे से नहीं हो रहा, एंड सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए, ऐसा नहीं हैप हैजार्डली कुछ भी कर रहे हैं। तो करिकुलम डिजाइन करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि करिकुलम जो है पर्पसफुल डेलिबरेट और सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सारे प्रिंसिपल्स का जिसको हमें अपने करिकुलम के अंदर इंक्लूड करना है। अब प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग में हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग, पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, टीचिंग मेथड एंड एवेल्यूएशन, चार प्रोसेस मैंने बताया आपको, फिर से ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, टीचिंग मेथड और एवेल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन ऑफ कंटेंट टीचिंग मेथड और इवैल्यूएशन। बहुत बार बोल दिया इन इस बारे में, आप फिर से वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में सुन ले सिर्फ के डिजाइन हम करिकुलम क्यों कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में सबसे पहले हम जो है लिखेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव्स हम लिख लेंगे, उसके बाद क्या कंटेंट हमें सिलेक्ट करना चाहिए इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वो देखेंगे, क्या टीचिंग मेथडोलॉजी जो है
हमें ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बड़े वेरियस टीचिंग मेथड्स में से कोई एक टीचिंग मेथड हम सिलेक्ट करेंगे या जो है दो या तीन मेथड का मिक्स, और फिर इवैल्यूएट करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है रोल ऑफ अ टीचर। देखिए, करिकुलम जो बनाया बेसिकली वो करिकुलम को एग्जीक्यूट कराने का जिम्मा जो है वो टीचर का है। टीचर को जो है ये करिकुलम बड़ा कन्वीनियंट लगना चाहिए, दे मस्ट एंजॉय फॉलोइंग द करिकुलम। बड़े सारे एक्टिविटीज होते हैं, कई बारी जो है वो एक्टिविटीज पसंद की भी होती हैं और कई बार पसंद की नहीं भी होती हैं। से फॉर एग्जांपल, एक्टिविटी अगर इंडस्ट्रियल विजिट है और इंडस्ट्रियल विजिट जो है हमने मान लीजिए एक प्रोडक्शन हाउस में इंडस्ट्रियल विजिट कराई, तो उस प्रोडक्शन हाउस में इंडस्ट्रियल विजिट का जो है कुछ कॉमर्स वालों को ज़्यादा, प्रोडक्शन हाउस नहीं बोलना चाहिए मुझे, प्रोडक्शन यूनिट मतलब किसी फैक्ट्री के विजिट करा दी, तो कॉमर्स वालों को उसमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं आता। तो करिकुलम जो है वो टीचर सेंटर्ड भी होना चाहिए कि टीचर को भी अच्छा लगे। अच्छा, दूसरी बात, टीचर का रोल क्या है कि टीचर जो है बड़ा डायरेक्ट इंटरफेस है स्टूडेंट और मतलब ब्रिज है एक स्टूडेंट और जो अथॉरिटीज है ऑर्गेनाइजेशन की, उनके बीच में टीचर जो है वो स्टूडेंट को सबसे अच्छे ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। इसीलिए अगर करिकुलम बनाने में उसकी भी ओपिनियन ली जाएगी तो करिकुलम जो है वो काफ़ी जो है क्या बोलते हैं बेनिफिशियल रहेगा सभी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। देन आता है इवैल्यूएशन एंड नीड ऑफ इवैल्यूएशन। देखिए, इवैल्यूएशन की नीड क्यों पड़ती, किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट करने की नीड क्यों पड़ती है कि भाई अगर उसमें कुछ गलती हो तो हम रिवाइज कर पाएं उसको, है ना, थोड़ा सा रिफाइन